नमस्कार, आज वितर्क को स्वागत करुच्ची मु स्मृति लग्ना। दर्शक बंधु, आसंता काली माने जानुरी 16 एक ऐतिहासिक दिन। आपण मनरे निश्चय स्वाभाविक प्रश्न आसीबो जे काहेकि मु एभली कहुची। तेबे आसंता काली रो दिन को 9 मास होइजिबो, दीर्घ 9 मास होइजिबो, लोक अपेक्षा करी रहिथिले। माने ए 9 मास भितरे ए अस्वाभाविक जीवन यात्रा भितरे कोरोना आमको बहुत किछि सिखैछि। से भितरे 9 मास रो अपेक्षा, 9 मास रो कष्ट, 9 मास रो संघर्ष, 9 मास रो समस्या एवं समाधान रो कथा जेतले चिंता करा गला, सी मध्य एक प्रक्रिया रही थी। ड्राइ रन करने आरंभ कर स्वास्थ्यकर्मी मैंने जो भाव में अहरह काम करते आसंता कालीठू कोरोना टीकाकरण आम देश में आरंभ हो जाए। प्रथम पर्यायर टीकाकरण राज्य में आसंता काली कहूँ जो आसंता काली एक ऐतिहासिक दिन, यह कि आज वितर्क कोरोना टीका। मो सहित रे डॉक्टर सुभाष साहू एवं डॉक्टर सिद्धार्थ साहू, रे डॉक्टर सामी सलीम, समस्त को नमस्कार स्वागत करुच्ची कार्यक्रम को। प्रथमे डॉक्टर सामी सलीम को ठू आरंभ करने चाहिए। कोरोना को लेकिन आम अनेक वितर्क करूँ, अनेक आलोचना करूँ एवं साधारणतः आम जब देखा, प्रथम डॉक्टर सुभाष साहू पाक को जी जेहेतु जोड़ी होती आम सहित। डॉक्टर साहू, साधारणतः जब आम देखा कोरोना टीका को लेकिन अनेक अपेक्षा रही ए भितर अनेक संघर्ष भितर लोक मैंने अपेक्षा करते टीका केबे आसीबो एवं ए उपलब्धि को आपण केमती देखते। साधारणतः टीका अनेक समय लगे किंतु अल्प समय ये जो उपलब्धि देश कर देखुं। हाँ मैडम, गोटे ए माध्यम रे मु ये जनसाधारण को माने मु अनुरोध करुची एंड कही पारुची जे आम पाई जो भारत सरकार आज आमर नरेंद्र मोदी को नेतृत्व रे ये जो जीवन जीविका पैंडेमिक जो आमर कोरोना पाई आमे जो हरे बसी थिले बहुत किछि लोको सफर करिछति, बहुत किछि लोको खाइबा को भी पाइनांति। ये कोरोना रे बहुत गुड़े लोक आम ए माने धरा पृष्ठ रु आम हरई किए कार माँ किए कार बापा किए कार पु झी समस्ते किना कि हरई ये देशर से ये जो कोरोना वैक्सीन आज आमर भारत सरकार जो हेल्थ मिनिस्ट्री हो नरेंद्र मोदी आम प्रिय प्रधानमंत्री की जो विजनरी ये जो स्टेप जो गुरु आज भारत बायोटेक हो किंबा सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा आम ICMR मिलित जो साइंटिस्ट माने आमर आज ये जो कोवैक्सीन आउ कोविशील्ड वैक्सीन आम पाई आनी प्रकृत रे काली जो नरेंद्र मोदी आमर 10टा अधरे जो इनॉग्रेशन करिवे सारा भारत रे 3600 सेशन जो करा हैछि ताहिरे 100 जन प्रति गोटे गोटे जगार 100 जन को माने वैक्सीन दिया जीव सेटा प्रकृत रे वर्ल्ड पृथ्वी रे गोटे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन डे आउ आमे पर्व बोली कहिले अत्युक्ति हम ना। आउ आमे निश्चित भाव गर्व करिबा, आमे समस्ते निजकु निजे जानिबा जे आज आम पाखरे एमिति गोटे अस्त्र आसी पहुँची जो थे कि मेडिसिन परे आमर तीनोटी मळमळ संजीवनी बोली मध्य कहुचो, कारण ए संजीवनी को अपेक्षा करथिला मानव समाज एवं जेतेबेले मृत्यु सहित लड़ुले लोक मैंने किसी जन बंची किसी जन जीवन अनेक परिवार दुख सही आखिर लुह सुखी ना एवं समस्त मनरे प्रश्न आसवा स्वाभाविक जे वैक्सीन केबे आसीबो आउ आसंता काली से आम ऐतिहासिक दिन बोली कहूँ। डॉक्टर सामी सलीम, अनेक गुजब सामनाक आसूसी वैक्सीन को लेकिन जमीती कि वैक्सीन ने द्वारा प्रजनन क्षमता ह्रास पाइब, वैक्सीन ने द्वारा आहुरी अधिक पार्श्व प्रतिक्रिया देखा मिले जहाँ आपड़ कोरोना डेज रे देखुले। स्वास्थ्य मंत्रालय जदिव सबकि खंडन कर सचेतनतार बार्ता पहुंची आपड़ जड़े डॉक्टर हिसाब से केते मात्र आश्वस्त करेंगे जो साधारण लोकों भितर एत सब शंका ये आशंका रही। वैक्सीन आसी 27टा कंट्री ऑलरेडी वैक्सीन स्टार्ट कर सारे डिसेंबर आम कंट्री 28 नंबर तांको कंट्री आज पर्यंत कौन सी रिएक्शन नहीं फर्स्ट थिंग। सेकेंड थी लक्षे लोक उपरे टेस्ट कला परे वैक्सीन रिलीज होती मार्केट को तापर कौन सी वैक्सीन रो रिएक्शन न थाए आपण मानकर छुआ भी वैक्सीन नियंती मिजिल्स आम हाथ गोड़ कटिगले भी टॉक्साइड वैक्सीन नौ तो
तो नॉर्मली वैक्सीन जितने आसे बहुत इन्वेस्टिगेशन कला परे एते दिन परे लॉन्च हला तेणुकर वैक्सीन नॉर्मल किसी रिएक्शन न था नॉर्मली जमी आप इंजेक्शन नौकर बथा हे टे कु माइल्ड रिएक्शन सबूर थाए कि जेहेतु ये गोटे मास वैक्सीनेशन तेणुकर आम अधघंटापी गोटे रखाई रेस्ट रूम वैक्सीन नाला लोक मैंने अधघंटा रेस्ट ने जी जो रिएक्शन कथ नहीं लोक कौन अमके समके आप फास्ट भावतु जो मेलेरिया बटिकाटा खाऊँ आप ओनली मेलेरिया ट्रीटमेंट ही होपरी आप कोविड वैक्सीन नौकर कोविड रोग को ही चिकित्सा कर रोग पर देहर हाथ मारना जमी अन्न औषध खाइले काम दिए तेणु यहाँ स्पेसीफिक वैक्सीन कोविड पर देहर अगर कौन से सिस्टम से एफेक्ट करमी तो बहुत गुजब बाहर कि जो लोक कर साइंटिस्ट मैंने के रिसर्च कर बर्षे रिसर्च कला बाहर करोटाली साइड फ्लू एक करी से माने मानव समाज को विपद रु उद्धार करने अहरह चेष्टा कर चेष्टार सफल प्रतिफलन आम देखा जाऊँ मो सहित भारतीय चक्र समाजसेवी जोड़ी होती स्वागत करुच्छे आपको अर्गस न्यूज को समाज सेवा क्षेत्र में आप कौन कहे भारत सेवा कर मनोवृत्ति के रही साधारणत ए समय विपद समय पैंडेमिक समय अन्य देश मान औषध पहुँचवा ठार आरंभ कर पीपी किट पहुँचवा पर्यटन कार्य भारत करतमान जितेबले वैक्सीन रहा सामना को आसूरी पड़ोसी देश मानक वैक्सीन पहुँचवाई अंटा भिड़ सारी भारत वर्तमान परिस्थिति रे भी सेवा करिबार मनोवृत्ति को जाबुड़ी धरी भारत एत संघर्ष भितर के देखते नमस्कार समस्त को सेवा करिबार मनोवृत्ति तो भारतीय मानसिकता भारतीय संस्कृति गोटे मान अंग कौन सी प्रश्न ना भारत प्रत्येक व्यक्ति विशेष संस्कृति निजर परंपरा रे सेवा सहित सर्वकृत भाव जड़ित आईटा ही आम जो राजनीति क्षेत्र में नेता क्षेत्र में सेटा भी प्रतिफलित हो भारत सब निज आखपाख पड़ोसी समुदाय को लेकिन सांगे चलने विश्वास कैसे सारा विश्व को आम वसुंधेव कुटुंबकम कहू तो सारा विश्व आम कुटुंब आम एक नुहे आम समस्त मिसिकी चल विश्वास करती तेणु सारा विश्व सहित जोड़ी रहा ए प्रकार गोटे दुर्दीन स्थित प्रकार गोटे दुर्विपाक स्थित निश्चित भाव गोटे ग्रहणीय नीति भारत पक्ष देश मान पक्ष जे करवाचित देश भितर देश बाहर निश्चित भाव देश भितर जो आवश्यकता अच्छे आम एड़े पारानी बर्तमान काम स्वास्थ्य क्षेत्र में फ्रंटलाइन वर्कर्स हेल्थ केयर वर्कर्स मान टीकाकरण आरंभ होगा जाटा गोटे बड़ मानने दिन अनेक विवाद अनेक वैक्सीन को लेकिन अनेक चिंता मैडम समाज तो आशा करिबे कि जेमिति पेंडेमिक सिचुएशन रे सहयोगिता देखिबा को मिलिथिला ठीक से भली वैक्सीन किए नेबो ताकु नेके प्रतियोगिता ठु अधिक सहयोगिता रहिबा दरकार जे क्यों वर्गर लोकंकु प्रथमे वैक्सीन दिया जिबा दरकार एक कथा समस्त बुझिबा दरकार देखंतु वर्तमान तो सरकार एमपी भी नीति निर्धारण करिसथि जे प्रथमे हेल्थ केयर वर्कर्स आ फ्रंटलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स मानकु दिया दिबो तापरे 50 प्लस पॉपुलेशन को सीनियर सिटीजन मन को दिया जो माने एक्चुअली वल्नरेबल तो आमर विश्वास अच्छे आमर साइंटिफिक कम्युनिटी उपरे आमर डॉक्टर फ्रेटर्निटी उपरे जे से माने निश्चित भाव में गोटे ठीक डिसीजन नहीं थे वैक्सीन उपयोगिता को लेकिन आउ अन्य मानको मध्य गोटे वेट एंड वॉच रो भी गोटे मानसिकता आम देखा पाचु जे आम देखा केमी यार फलप्रद हो कि ना लोक ने पार्श्व प्रतिक्रिया हो ना एमती वरिष्ठ नागरिकों मध्य जदिओ प्रायोरीटी दि जाऊँगी मु काम करुच्ची वरिष्ठ नागरिकों क्षेत्र में से मनरे गोटे आशा आशंका दीटा जाक रही आशा या जे वैक्सीन आसीगला वैक्सीन देलापर आम खोलाखोली चलप्रचल हो पारू घर बाहर को जापरू लोक आम पाक आसपारे मिलामिशा करें बर्ष होगा गोटे बंदीर जीवन गोटे मुक्ति बंदीर जीवन एवं जो ठाठी वर्ष रु अधिक वयस्क लोक अनेक अधिक सांघातिक रही ए रोग से तो चिंता करने स्वाभाविक एवं वर्तमान से आश्वस्त हो डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जोड़ी होती डॉक्टर साहू किभली भाव देखते जिते वैक्सीन आसी गुजब सामना को आसूरी किंतु ए
गुजब को खंडन करा जिबो जे वैक्सीन रो कोनसी पार्श्व प्रतिक्रिया नाही एहा को नै परिबे समस्त ए कथा कोआ जिबो एवं सचेतनतार वार्ता उपांत अंचल रे मध्य पहुंचा जिबा दरकार ए कथा आपण कहिबे ना नै आपण को कथा रे मु पूरा सहमत अछि। प्रथम कथा हैला जेमती आमर वरिष्ठ डॉक्टर आली कहिले जे एही वैक्सीन रो सेमिति किछि कोनोसी प्रकार क्षतिकारी रिएक्शन एई जाई देखा जाइनि हैला आउ जे कोनोसी औषध रो माइल्ड किछि रिएक्शन हेई पारे जोटारे काहाकू सेमती डरिबार किछि दरकार नाही। सरकार भी मध्य कहिछि कि किछि लोकंको टिकी दर्द हेई पारे कि माइल्ड हल्का ज्वर हेई पारे जोटा आपनको नॉर्मल गोटे क्रोसिन टैबलेट रे ठीक हेई जिबा कथा। आउ सेकेंड कथा हैला लोकों को सहयोगता मु तो आशा करूची लॉकडाउन रे जो भली लोक माने सहयोग करिसंती एई पूरा मध्य मास्क पिंधिवारे लोक सहयोग करूचंती तो मु 100% आशा करूची जे ये टीका पई भी लोक माने बहुत सहयोग करिवे। तो गोटे डोज जथेष्ट कि जोटा साधारण लोक माने जानिया पई चाहचंती वैक्सीन को नेकी यार उत्तर आपनकर कोन रहइबो? देखंतु एबे जो वैक्सीन रिलीज होउछि आपनको कोविशील्ड आउ कोवैक्सीन ए दीटा पई तो दीटा डोज दरकार। ओके ए दीटा पई दीटा डोज दरकार। डॉक्टर सामी सलीम को पाखो को फेरिया को चाहिबे। डॉक्टर सलीम जेतले टीका प्रस्तुति करा गला से समय रे अपेक्षा कोंतु बा वर्तमान रे अपेक्षा साधारण लोकमान को मन रे ए प्रश्न रहिछि जे आमो पाखो को टीका पहुचिबो केबे एवं साधारणत जो मान को गोटे थरो कोरोना होई सारिछि सेमानकर मन रे ए प्रश्न जे मु वैक्सीन नबार आवश्यकता केते दूर रहुछि ए प्रश्नर उत्तर आपण रखिबे। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇବେ। ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆଟା ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି ହେବା ପାୱାର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଇଟା ତେଣୁକରି ଆମେ 130 କୋଟି ଲୋକକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବାକୁ 3 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏସେସ୍ କରିବା ପ୍ରତି ପବ୍ଲିକ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ଲାଗିବ ଟାଇମିଂ ଏକ। ଦୁଇରେ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଟୀକା ଆସୁଛି ଦୁଇଟା ଡୋଜ୍ ତ ମୋଷ୍ଟ ନେବୁ ଆମେ ତେଣୁକରି 2 ଡୋଜ୍ ପ୍ଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କଭର କରିବାକୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ସେମାନେ କିଛି ରିଏକ୍ସନ୍ ହେବନି ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବେ ବି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଚେନ୍ଟା ବି ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଯିବ। ଡକ୍ଟର ପାଇଲେ ଯେଉଁ 50% 50 ଇୟର୍ସ ଏବଭ୍ ଲୋକ ପାଇଲେ ବି ଚେନ୍ଟା ଆମର ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଗଲା ତ ରୋଗ ବି ବହୁତ ରୋଗରେ ହଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ସେମାନେ ହେଲ୍ଦି ଲୋକ ଇମ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସରକାର ବହୁତ ବୁଝି ବିଚାରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋକକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି ଦେବା ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ ପ୍ଲସ୍ 50 ଇୟର୍ସ ଏବଭ୍ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଥରେ କରୋନା ହେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ କ୍ୟୁର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେମାନେ ନେବେ କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଟିବଡି ହେଉଥିଲା 3 ମାସ ଯାଏଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ। ସେଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥିଲା କାହିଁକି ଦେଖା ହେଇଛି ଯାହାର କୋଭିଡ୍ ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏକ। ଦୁଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହେଇକି କେହି ସେଫ୍ ନାହାନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟୀକା ନେବେ। ଟୀକା ନେବାର ମାସେ ପରେ ଆପଣ ସେଫ୍ ହେବେ ତେଣୁକରି କୁହାହେଇଛି ଟୀକା ନେବା ପରେ ବି ଆପଣ ମାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାସେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ଟୀକା ନେବେ। ଓକେ ଡକ୍ଟର ସୁବାଷ ସାହୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ କଥା ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଆଉ ମାସ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଲାହ କ'ଣ ରହିବ? ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଭୁଲ ଅଛି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା DPT କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେବ ଥାର୍ଡ଼ରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ତା'ର ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଉଥିଲା କି MMR ହେଉ କି ଏମିଜିଲ୍ସ ହେଉ ଖାଲିରେ ସିମ୍ପଲ ଯେଉଁଟା ଦେଲାବେଳେ ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କି ଆମର ଡାକ୍ତର କି ଆମର ICMR ଯାହା ଦେଖିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦେଲା ପରେ ଡୋଜ୍ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆହେଉଛି 28 ଦିନ ପରେ ତାପରେ 14 ଦିନ ପରେ ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ ବୋଲିକରି ଯାହା ଆମେ ତଥ୍ୟ ପାଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଯେ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା।
जोटा आमर डॉक्टर सिद्धार्थ भी कहिले जे आमे खाली वैक्सीन नहीं गले जे आमे वर्तमान ये जो प्रोटेक्शन टा आमे पाई जीवा जोड़ा प्रथम जो मूल मंत्र जो तीनोटी थिला सेटा को जारी रहिबो टिल मते लागुचे गोटे देढ़ मास टू तीन मास निश्चित भाव आमको किछिटा जो हेल्थ वर्कर जो फ्रंट लाइनर को आसला पर्यंत कहीं फ्रंट लाइनर पहुँचे आम फेब्रुआरी बेलू कहीं भितर आम हेल्थ वर्कर को आगे प्रोटेक्शन दिया दिहे कहीं से चेन ब्रेक हम नहले निश्चित से गोटे चेन ब्रेक करने दिहता सांगे जो लोकंर जो भ्रांति अच्छी जो सैड रियाक्शन पार्श्व रियाक्शन हो जो मैंने आज आगे पचर भी लड़ीते कोरोना समय रे माने हेल्थ वर्कर जी डाक्टर हो कि से माने निजे लड़िकी जो जगार सेवा करुले आज से ही प्रथम दिहे लोकंर मनोबल बढ़ेवाई कहीं ना हुए तो साधारण तो लोक गोटे जदि यहाँ पैसा देकर दे था बोधे मुझे भावुची लोक जल्दी आक्सेप्ट कर था इवन ब्लाक भी किनी था कितु बिकज सरकार आज भारत सरकार फ्री वैक्सीन दौपाई बोधे लोकंर ये चिंताधारा हो पार्श्व रियाक्शन हो मुंड बुले ये सब चिंताधारा आम लोक पड़ो जो नौ मस अपेक्षा करसीन आसी टेस्ट करसीन नेबार बेल आसबाद गुजब या लोक मान डर निश्चित भाव एक रुग्ण मानसिकता कहुपर डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जो भाव में कोविड 19 नुआ नुआ स्ट्रेन देखा मिलूँ प्रत्येक लोकों क्षेत्र में देखा मिलूँ सिम्टम्स कहार क्या संगे मिशुना आम ब्राजिल कथ कह रुषिया कथ कहबा ब्रिटेन रो कथा कहबा ए जगारे परवर्ती मुहूर्त रे जेतेले नुआ स्ट्रेन आसीची ताकू नेकी सेमाने चिंतित एवं नंबर से हिसाब रे मध्य संक्रमितों को संख्या बढ़ी चालीची तो ये वर्तमान परिस्थिति रे कोवासिल्ड कथा कोंतु बा आपण कोवैक्सीन रो कथा कोंतु ये दुईटी वैक्सीन प्रत्येक स्ट्रेन टू दूरे रखिबो की देखो एटा बहुत भलो प्रश्न गोटे कथा हैला कि जे कोनोसी ए जो वैक्सीन गोडा वर्तमान जो स्ट्रेन गुड़ा भारत रे वर्तमान प्रेजेंट अच्छी से गुड़ा को कवर करे किंतु भविष्य रे आपण को जीवाणु रो किछि म्यूटेशन हेई पारे सेटारो कोनोसी ग्यारंटी नाही जेमती कि ब्रिटेन रे मझी रे लॉकडाउन पुणी हेला जेहेतु वायरस म्यूटेट हेई थिला तो भविष्य रे सेटा हबार चांस थाई पारे आउ जेमती इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रो कौन हुए प्रति गोटे रु दि वर्ष स्ट्रेन टा चेंज हुए से हिसाब रे वैक्सीन चेंज हुए ठीक अच्छे तो एटा किछि सेमती किछि हार्ड एंड फास्ट रूल नाही किंतु आपण टिके आशावादी थांतु ठीक अच्छे एटा रे आमे टिके आशावादी रहिबा उचित हेबे आमे वर्तमान पॉजिटिव वाइब्स रो सहित जिबा ओ आशावादी रहिबा जे जहा होबो सकारात्मक होबो कारण एते संघर्ष परे जेतेबेले सफलता मिलिछि तो निश्चित भाव रे ए सफलता रे यात्रा आगो को जारी रहिबो ए कथा तो आमे चिंता करबा डॉक्टर सुभाष साहू जे भली भाव रे आमे आलोचना करथुलु नुआ स्ट्रेन जदि आसुछि ये कोविशील्ड कथा कहतु बा कोवैक्सीन कथा कहतु केते सहायता हबो ता परवर्ती समय रे देखिबा को बाकी रहिला किंतु वर्तमान परिस्थिति रे साधारण लोकों को मन रे जो प्रश्न रहिछि जे समाज रो सब वर्गर लोकों को सरकार प्राथमिकता दबा दरकार एवं यदि पर्याय भितरे भी आपण वैक्सीन दउछंती तो जेभळी उपांत अंचल रे वैक्सीन पहुंची पारिबो कारण स्टोरेज कैपेसिटी कथा कहतु बा कोल्ड स्टोरेज रे रखिबा प्रत्येक राज्य रो सरकार को पई गोटे बड़ चैलेंज नुह कि प्रत्येक वर्गर लोकों को निश्चित उपांत अंचल पहुँचवा पाई आमर जो भारत सरकार जो गोटे पद्धति तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिछति आउ समस्त को यो मानने विभिन्न मानने भिन्न भिन्न टाइम आमर जो नरेंद्र मोदी आम प्रिय प्रधानमंत्री जो स्टेप नहीं चली केमी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम केमी जा वैक्सीन पहुँचव देखो तो आमर जो बाहर रो जो वैक्सीन जो माइनस 70 डिग्री किंतु आमर जो वैक्सीन है 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड रे पहुंची पारिबो सेथि पई ता पे स्पेशल गाड़ी ता पे स्पेशल घर माने प्रकृत रे देखियो गले आमर ओडिसा सरकार होतु किबा डिफरेंट जो स्टेट आउ यूनियन टेरिटोरीज अछि ताको सहित समस्तक सहित कथाबार्ता करी केमिति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी उपांत अंचल पर्यंत प्रतिटी घरे भी पहुँची पार से हिसाब से डिफरेंट सब यूनिट तैयारी कराई सेंटर्स तैयारी कराई केमी वैक्सीन रखाई पार केमी पहुँची पार कौ गाड़ी में पहुँचब किए पहुँचेब देखो सीबीएल जो एविएशन मान मान एयरक्राफ्ट जो आसला बर्तमान पुणे हो कि हैदराबाद जो थे वैक्सीन गुटा आसला से देखो सी सबुति
माने प्रत्येक तत्वावधान रे हेल्थ मिनिस्ट्री आमर जो सेंट्रल जो आमर गवर्नमेंट रो आउ हेल्थ मिनिस्टर हुवंतु किबा आमर प्रिय प्रधानमंत्री सबु थिरे समानक प्रस्तुति ता परवर्ती पर्याय रे जोगाजोग सहयोगिता एवं ता परे जाय के सफलता मिलिछि ए भितरे जदि सबुठ अधिक वाइटल रोल कोटा प्ले करूछि बा सबुठ अधिक गुरुत्व दिया जिवो से होछि समीक्षा कारण भाषण एवं कथा ए भितरे एवं काम भितरे केते डिफरेंस रहूछि ता अनेक क्षेत्र रे आमे देखिछु आमे आम सरकार कहते जे आमे निश्चित भाव में लोकों पाखे पहुँचेबू उपात अंचल में पहुँचवा गोटे विराट बड़ चैलेंज ए दायित्व केते हिसाब रे ग्रहण करा निभा जाऊँगी सी मध्य एक गुरुतर प्रश्न भारती चक्रों पाखक फेरबी मैडम कौन कहे सरकार वर्तमान परिस्थिति में गुरु दायित्व जोभली सब वर्गर लोक वैक्सीन नहीं पारे वंचित हे ना जो उपात अंचल जो अनेक जगह अच्छे जो गाड़ी पहुँची पार ना लोक मैंने चली चली जाऊँगी कौटे पोल उपर दे एवं एभली क्षेत्र रे से जगह रे वैक्सीन पहुंचेबा और सेमान को कोरोना रो रक्षा करबा किमिति संभव आपन को लागो छी मैडम भलो प्रश्न जे रखिले मु कहिबी जे उपांत अंचल रे पहुंचेबा जो गोटे बड़ चैलेंज अछि ता पूर्वरो आउ गोटे बड़ चैलेंज दिगो को मु दृष्टि आकर्षण करबा को चाहिबी सेटा होछि जे जेतेबेला आमे कहू छथि नेक्स्ट स्टेज रे आमे 50 प्लस पॉपुलेशन को कवर करबा सीनियर सिटीजन मन को कवर करबा सीनियर सिटीजन मानकर गोटे बहुत बड़ चंक बड़ अंश से माने घर निजे जाई वैक्सीन नहीं आसीबा कहीं गोटे सेंटर रे दिया हबो वैक्सीनेशन रो पूरा प्रोसेस टा जदि आपण देखिबे आपण को रजिस्ट्रेशन करिया पड़िबो कोविन ऐप रे आपण को डेट एंड टाइम आसीबो मोबाइल रे आपण सेंटर को जिबे सेठी वैक्सीनेशन हबो आपण ऑब्जर्वेशन रे रहिबे घर को फेरिबे ए जो प्रत्येक सीनियर सिटीजन अर्बन रे रुहंतु बा रूरल रे रुहंतु सहर रे रुहंतु बा उपांत अंचल रे रुहंतु सेमन को एक्सेसिबल करिबाटा गोटे बहुत बड़ चैलेंज ता उपरे हमरो बेसी आलोचना किछि हेइनी मु भाबुछि ताको नै चिंता करिबार निहाति आवश्यकता अछि सेकंड होछि उपांत अंचल रे प्रत्येक वयस वर्गक कथा जदि आमे चिंता करिबा हां एटा गोटे चैलेंज वर्तमान हे तो मु जहाँ शुणुची ओडिशा सरकार प्रत्येक पंचायत लेवल को जीवा को चिंता करुचंती पंचायत लेवल को गला परे सेठु पुनी केमिति लोक पहुंची परिबे ठीक सेंटर रे मैडम जते उपांत अंचल रे लोक को पखरे वैक्सीन पहुंची परुची याठो अधिक स्वागत योग्य पदक्षेप आउ किछि नथाई पारे कारण साधारणतः वैक्सीन आसीबा परे समस्त मन रे ए चिंता जे मते केबे वैक्सीन मिलिबो एवं समस्त चाहुचंती जो 9 मास रो अस्वाभाविक जीवन देकी संघर्ष देकी गति करचंती सेठु केमिति मुक्ति पाइबे एभले को क्षेत्र रे बड़ चैलेंज को दायित्व सहित ग्रहण करबा एवं ताको सकारात्मक ढंग रे निभेबा सबुठ बड़ आह्वान बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष साहू डॉक्टर सिद्धार्थ साहू डॉक्टर सामी सलेम एवं मैडम भारती चक्र समाजसेवी रही थे जे लगातार भाव में आम सहित आलोचना करुते शेषे एति बार्ता देवा चाहिए दर्शक बंधु को जे सचेतनतार बार्ता आपण माध्यम यह रखापी चाहिए जो गुजब कराऊँगी वैक्सीन को लेकिन जे प्रजनन क्षमता ह्रास पाइब यापर आउ मास्क पिंधा पड़ब ना बा पार्श्व प्रतिक्रिया ए सबू कथ दूरे रहा डॉक्टर जपरी भाव में आमको कहते राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जहाँ गाइडलाइन रही अनुपालन कले ही निश्चित भाव में सफलता मिले तेज समय होतर्क को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार।